जजमेंट। आपको जानकारी होगी ही कि पिछले 24 जुलाई से 29 जुलाई को राजस्थान में बारिश का भयानक प्रकोप रहा। बारिश इतनी थी और बहाव इतना ज्यादा तेज था कि हजारों लोग बेघर हो गए, जान माल का खूब नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा त्रासदी पशुओं की हुई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई जगह की रोड बह गई, पुल बह गए, बंधे हुए पशुओं को कौन संभालता। हजारों की तादाद में पशुओं की जान गई। मैं स्वयं महाराष्ट्र के अपने कुछ कार्यकर्ता और राजस्थान के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जालौर जिले के सांचोर गांव को विजिट किया और देखा 1 लाख से ज्यादा पशु लाचार है, बीमार है, बेसहारा है, रहने को छत नहीं, बारिश में भीग रहे हैं और वैसे भी छत के अभाव में, ठंड में, गर्मी में, बारिश में ये पशु बेहाल रहते हैं। मित्रों, भारतीय जैन संगठन पिछले 25 वर्षों से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। राजस्थान में आई इस त्रासदी के लिए शेड की नितांत आवश्यकता है। 20x80 का एक शेड, परमानेंट शेड, जिसमें 50 जानवरों के रहने की सुविधा होगी, का निर्माण करना चाहिए। तुरंत में बारिश से राहत मिलेगी। साल दर साल गर्मी, बारिश और ठंड से इनका बचाव होगा। खुले में पड़ा हुआ चारा भी शेड में रखने से सड़ेगा गलेगा नहीं। आइए इस योजना पर विचार करें। मित्रों, पशुओं की सुविधा के लिए लगने वाले इस शेड के लिए भारतीय जैन संगठन की योजना इस प्रकार है। एक शेड 20x80 का, जिसमें 50 पशुओं के रहने का प्रावधान होगा। परमानेंट स्वरूप का ये शेड होगा, जिसकी लागत लगभग 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए की दान राशि देकर एक शेड के निर्माण के हकदार बने, हिस्सेदार बने। इस शेड के ऊपर दानदाता अपने परिवारजन के नाम का उल्लेख करवा सकते हैं और साथ ही साथ शेड के उद्घाटन का कार्य भी स्वयं के परिवार के साथ आकर आप स्वयं ही कर सकते हैं। मित्रों, संवत्सरी का यह पावन अवसर जीव दया के लिए हमारी आवश्यकता और पुण्य के कार्य में आपके सहयोग की अपेक्षा। आइए मित्रों, हम सब मिलकर जीव दया के इस पुनित कार्य में सहभागी बने। धन्यवाद।